बोर्ड परीक्षा 2022 की तैयारी करने वाले कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए आज बोर्ड की तरफ से तीन बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें सामने निकल कर आ रही हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बहुत सी इंपोर्टेंट खबरें मिलने वाली है। पहली खबर की अगर मैं बात करूँ तो फरवरी तक करवाना होगा बच्चों का पूरा सिलेबस और हर स्टूडेंट को दी जाएगी वर्कबुक। दोस्तों आपको बता दें कि सरकार ने कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए अगले 3 महीने का पूरा प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है कि किस प्रकार से आपकी पढ़ाई करवाई जाएगी। और सरकार ने सभी स्कूलों को फरवरी तक का टाइम दिया है कि जहां पर भी अभी तक बच्चों का कोर्स पूरा नहीं हुआ है फरवरी तक उस कोर्स को खत्म करवा दें। आपको बता दें कि अभी तक बच्चों का 70% कोर्स ही खत्म हुआ है और 30% कोर्स ऑनलाइन के माध्यम से ही किया जाएगा और उसके बाद में ही सरकार डिसाइड करेगी कि आपकी परीक्षाएं किस प्रकार से ली जाए और आपकी जो वर्कबुक है वो भी आपको घर पे ही प्रोवाइड करवा दी जाएंगी और कई राज्यों में तो प्री बोर्ड एग्जाम को घर से ही लिया जाएगा। दोस्तों मैं आपको अखबार की एक और न्यूज बता दूं जिससे कि ये खबर बिल्कुल पक्की हो जाएगी कि कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों की पूरी प्रिपरेशन 20 फरवरी तक करवा ली जाएंगी और जो उनके मॉडल पेपर है और उनके टेस्ट पेपर है उससे भी उनकी तैयारी खत्म करवा दी जाएंगी और उसके बाद ही बोर्ड परीक्षाओं को लेकर सोचेगा कि आपकी परीक्षाएं आयोजित करवानी है या फिर नहीं। और साथ ही आपको बता दें कि बोर्ड एग्जाम 2022 को रद्द करवाने की मांग अब भारत में काफी तेज हो चुकी है और बच्चे लगातार मंत्रियों से गुहार लगा रहे हैं कि हमारी बोर्ड परीक्षा 2022 को रद्द करवा दी जाए और बच्चे लगातार ये भी डिमांड कर रहे हैं कि अभी तक जो भी उनकी परीक्षाएं हुई हैं फर्स्ट टर्म और प्री बोर्ड की उन्हीं के बेसिस पर उनको पास कर दिया जाए। खैर अभी तक इस पर बोर्ड की तरफ से कोई भी खबर निकल कर नहीं आई है। जैसे ही बोर्ड की तरफ से कोई भी बड़ी खबर निकल कर आएगी तो हम आपको बता देंगे सबसे पहले।